हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, और अगर एक ग्लास गर्म दूध के साथ ड्राई फ्रूट का एक बूस्टर पंच मिल जाए ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो आइए बनाते हैं हमारा बूस्टर पंच पावर बॉल्स। तो शुरू करें इम्यूनिटी बूस्टर पावर बॉल्स बनाने के लिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर नेचर्स गिफ्ट इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि 5 से 6 मैंने यहाँ पर अंजीर ले लिए हैं, 10 से 12 डेट्स लिए हैं जो सीडलेस हैं, 1/4 कप जितने क्रश बादाम ले लिए हैं, 1/4 कप जितने क्रश काजू ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये 1/4 कप जितना ये ग्रेटेड कोकोनट होता है वो लिया हुआ है, और 1 बड़े चम्मच जितना ये जो कोकोनट का पाउडर आता है वो लिया है। ये मैंने बाइंडिंग के हिसाब से लिया हुआ है जो कि हमारे बॉल्स को बाइंड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1 बड़े चम्मच जितने वॉलनट ले लिए हैं, और 1 चम्मच जितने मैंने ये पम्पकिन सीड्स के टुकड़े कर लिए हैं, और साथ ही में 1 बड़े चम्मच जितने ये पम्पकिन सीड लिए हुए हैं इसको मैंने साबुती रखा हुआ है, 1 चम्मच जितना घी है, और ये 2 अंजीर के मैंने बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। तो आइए बनाते हैं हमारे पावर बॉल्स। सबसे पहले मैं ये जो अंजीर और डेट्स है इन्हें मिक्सी में पीस के इनका एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार रोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है उसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो आलमंड है पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ एक बार। इन्हें हार्डली 2 to 3 मिनट्स के लिए हमें रोस्ट करना है। बादाम यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसे एक बार मैं पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। साथ ही में अब हम ये जो कैशनट्स है, जो काजू है, उसे भी रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो सारे के सारे ड्राई नट्स एक साथ में ही रोस्ट कर सकते हैं, पर जो आलमंड होती है वो कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, और जो ये कैशनट्स होते हैं बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। हार्डली 1 मिनट के अंदर ही ये रोस्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैं इस वजह से अलग अलग से इनको रोस्ट कर रही हूँ। और अब हम ये जो वॉलनट है उसे भी कर लेते हैं रोस्ट एक बार। वॉलनट भी रोस्ट हो गए हैं। जब भी ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होते हैं ना तो इनकी अपनी ही एक अरोमा आने लग जाती है, और थोड़ा सा स्लाइट कलर भी चेंज हो गया है, तो मैं इसे भी पैन से बाहर निकाल देती हूँ। अगर ज़्यादा देर के लिए हम इसे पैन में रखेंगे तो ये बर्न हो जाएंगे। और अब ये जो कोकोनट है मैं उससे भी रोस्ट कर लेती हूँ। साथ ही में ये वाला जो कोकोनट था जो बिल्कुल पाउडर जैसा है मैं उसे भी एक बार रोस्ट कर लेती हूँ। ये हमारे बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। बॉल्स के अंदर सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स है तो बाइंडिंग के टाइम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। कोकोनट भी रोस्ट हो गया है तो मैं इसे भी एक बार पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। और ये जो पम्पकिन सीड्स है उसे एक बार रोस्ट कर लेते हैं हम। ये जो पीसेस वाले हैं उन्हें भी साथ ही में डाल देती हूँ मैं। ये पम्पकिन सीड्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो एक बार हम इसे भी बाहर निकाल लेते पैन से। अब हम अंजीर और खजूर की पेस्ट जो मैंने बनाई है उसे भी रोस्ट कर लेते हैं, पर उसे रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना घी ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अंजीर और खजूर की पेस्ट तैयार कर ली है, तो उसके लिए मैंने हल्का सा पानी यूज़ किया था। मैं जब तक इसका कलर हल्का सा डार्क नहीं हो जाता है तब तक इसे रोस्ट कर लेती हूँ, और साथ ही में इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाए उतना और उसको रोस्ट कर लेते हैं हम। तो घी के अंदर जब अंजीर और डेट्स जो है वो सिक जाएंगे तो इनका कलर तो चेंज होगा ही, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग जाएगी। जब तक अंजीर और डेट्स अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं आइए तब तक मैं इन सारी चीज़ों के आपको बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। अंजीर के अंदर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में कैल्शियम और पोटेशियम होता है। डेट्स भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उसके अंदर आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और साथ ही में डेट्स रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर होता है और वेट लॉस भी होता है। ये डेट्स और अंजीर का जो मिक्सचर था वो भी अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से कढ़ाई में ये अलग से इकट्ठा हो रहा है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक बार।
और साथ ही में ये जो थोड़े से मैंने अंजीर कट करके लिए हुए थे, मैं एक बार उन्हें भी रोस्ट कर लेती हूँ। अंजीर कट करके लेने का रीज़न बस एक ही है कि थोड़ा सा इसका अलग से क्रंची वाला फ्लेवर और आ जाता है। अंजीर भी यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं तो मैं इन्हें भी एक बार अपने बाउल में निकाल लेती हूँ। सारे ही ड्राई फ्रूट यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो बस इसी वक्त हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था अंजीर और खजूर वाला, हम उसे भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इनके बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं पहले एक बार। पम्पकिन सीड्स के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिनरल्स और जिंक भी होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और डायबिटीज़ को रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। आलमंड के अंदर तो आपको पता ही होगा विटामिन ई एंड प्रोटीन होता है, जो इम्प्रूव करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम्स को। तो बस यही सारी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ये जो विंटर सीजन होता है उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है ये वाले इम्यूनिटी बूस्टर पावर बॉल्स। ये मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है, तो अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। हमने इसके अंदर कोई भी स्वीटनर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस है जो कि अंजीर और डेट से मिल रही है, तो हम इसे इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एक पावर बॉल्स के जैसे मानते हैं विंटर्स के अंदर। तो आइए एक बार मैं इसके बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। मैं कुछ इस तरह के बॉल्स इसके रेडी कर लेती हूँ। देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये। वैसे हमें इसको बाइंड करने के लिए अब हाथ पर घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है मेरे हाथ और मैं इस ऐसे नॉर्मली इसके बॉल्स तैयार कर पा रही हूँ। तो हम इसके बॉल्स एक बार तैयार कर लेते हैं। अगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगे कि ये चिपक रहा है, तो आप हाथ पर हल्का सा घी ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इसके बॉल्स तैयार करिएगा। पावर बॉल्स बिल्कुल रेडी है, तो इसे एक बार सर्व कर लेते हैं। बट सर्व करने से पहले हम इसे एक बार थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये जो सिल्वर फॉइल है मैं उससे हल्का सा उसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो लीजिए रेडी है विंटर स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर पावर बॉल्स, रिच इन कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मिनरल्स, जिंक, विटामिन ई एंड लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो तैयार है हमारे विंटर स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर पावर बॉल।